देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने फिर एक बार अपना परचम लहराते हुए जीत दर्ज की है और साथ ही और तीन राज्य गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में भी पार्टी ने जीत का बिगुल बजाया है। इसी खुशी को नागपुर के बीजेपी कार्यालय में भी मनाया गया। राम मंदिर का बनना साथ ही राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर भाजपा देश के 5 विधानसभा चुनाव में उतरी थी, जिसमें 4 राज्यों में उसने जीत दर्ज की, जिससे अब प्रधानमंत्री मोदी की ताकत को एक बार फिर मनवाया गया। 3 साल से कांग्रेस का भविष्य समझा जाने वाली प्रियंका गांधी को भी यूपी की जनता ने साफ तौर पर नकार दिया, जिसकी झलक यूपी में 3 सीट पर सिमटी कांग्रेस के रूप में दिखाई दी। आज नागपुर में चुनाव के रुझान आते ही भाजपाइयों के चेहरे खिल गए, साथ ही भाजपा कार्यालय के सामने ढोल ताशे और फुगड़ी खेलकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस समय स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी दिखाई दिए। नागपुर में जल्लोष इसलिए भी ज्यादा दिखाई दिया क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नागपुर के स्थानीय देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर गोवा की जिम्मेदारी थी और गोवा में भी भाजपा पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी। डेस्क रिपोर्ट, VKB न्यूज़।